Hello and good morning students. Today in chapter 7 we will discuss about question answer of this chapter. Okay, chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climates. This is the last class of this chapter. Okay, so let's discuss about the questions one by one. Actually I don't have NCERT book, so I have written all the questions here. Okay. Let's discuss question number one is, name the elements that determine the weather of a place. Okay, the elements which determines the weather of a place. Okay, so first ka answer ho jayega temperature, humidity and rainfall. Okay, these all elements which determines the weather of a place. Okay, next is, when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? Okay, so maximum temperature, question number 2, maximum temperature in the afternoon, okay, and minimum temperature in morning. Okay, maximum in afternoon and minimum in morning. Okay, next question. Next is, fill in the blanks. The average weather taken over a long time is called climate. Okay, so 3 ka 1 climate. Okay, 3 ka 2 number dekhte hain. The two A place receives very little rainfalls and the temperature is high throughout the year, the climate of that place will be. Okay, तो वैसा place जो कि बहुत ही कम rainfall जहाँ पे होता है, बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ का temperature हमेशा बढ़ा हुआ होता है. तो obviously अगर temperature high होता है तो क्या वहाँ का जो climatic condition होगा वो बहुत hot होगा. Okay, और बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, सूखा होगा, यानी कि हॉट एंड ड्राई. ओके, तो 3 का 2 नंबर हो जाएगा हॉट एंड ड्राई. ओके, नेक्स्ट, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, अर्थ का वैसा रीजन्स, वैसे दो रीजन्स का नाम लेना है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ओके, तो एक्सट्रीम में हो जाएगा आपका सबसे पहले तो पोलर रीजन, क्योंकि बहुत ठंड होता है यहाँ, यानी कि पोलर हो जाएगा. और दूसरा हो जाएगा डेजर्ट. ओके, डेजर्ट एरिया, जो अर्थ का जो डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ भी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इंडिकेट द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. कौन कौन सा एरिया है? सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट क्या होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में तो हमेशा ठंड होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कोल्ड हो जाएगा एंड बारिश भी होती है वहाँ पे, तो कोल्ड एंड वेट हो जाएगा. ओके, यानी कि 4 का 1 नंबर कोल्ड एंड वेट. देखिए 4 का 2 नंबर केरला. केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि हॉट टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और बारिश भी बहुत होती है, वेट होता है, ठीक है, हॉट एंड वेट. नेक्स्ट इज राजस्थान. राजस्थान
डेजर्ट राजस्थान में ही होता है, ठीक है, राजस्थान में ही है, इंडिया का जो डेजर्ट है वो राजस्थान में ही है, ठीक है। तो राजस्थान का ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, और बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, तो हॉट एंड ड्राई यहाँ का टेम्परेचर होता है। ओके तीन नंबर, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मीन्स क्या, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब साइड के मौसम कैसा होता है, तो यहाँ पे हॉट एंड वेट होता है, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए किसी अदर कंट्री से तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर जो है बहुत ही हॉट होता है एंड वेट होता है, बारिश भी यहाँ पर बहुत होती है। तो चार नंबर, हॉट एंड वेट होता है, हॉट एंड वेट। ओके क्वेश्चन नंबर पांच, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली मतलब कि बहुत जल्दी कौन क्या चीज चेंज होता है, वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट तो ऑब्वियसली नहीं चेंज होगा क्योंकि क्लाइमेट तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का वेदर रिकॉर्ड है, ठीक है, इसलिए वेदर ही चेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है वेदर, एक घंटे घंटे में चेंज हो सकता है वेदर, यानी क्वेश्चन नंबर पांच वेदर हो जाएगा। ओके Just pause the video and note down the all the answers to question number 5. Okay? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, ओके, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स का दिया हुआ है वो एनिमल्स किस रीजन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल में या पोलर में, ठीक है। तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स ज़्यादातर पेड़ पौधे वाले एरिया में पाया जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे वाला एरिया जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सिक्स का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड सेकेंड इज व्हाइट फर। व्हाइट फर ऑब्वियसली पोलर बियर में पाया जाता है, यानी कि पोलर रीजन में, यहाँ पे कौन पोलर रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नीड टू माइग्रेट। अब माइग्रेट जो है बर्ड्स करती है, तो दोनों में करती है, आपको अकॉर्डिंग टू वेदर में, कभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो माइग्रेट कर लेती है अपने आप को, ठीक है, और कभी जब वहाँ का मौसम जो उनके पोलर रीजन का मौसम जो उनके अनुकूल हो जाता है तब वो फिर से माइग्रेट कर लेते हैं, यानी कि बोथ प्लेसेस होगा यहाँ पे, ट्रॉपिकल और यानी कि यहाँ पे तीन का आंसर हो जाएगा बोथ। ओके नेक्स्ट इज लाउड वॉइस। ओके लाउड वॉइस तो दोनों एनिमल्स में होते हैं, पोलर बियर में भी होता है, लायन टाइगर्स में भी होता है, यानी कि बोथ हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टिकी पैड्स ऑन फीट। स्टिकी पैड्स ऑन फीट किस में पाया जाता था, तो स्टिकी पैड्स ऑन फीट पाया जाता था रेड आइड फ्रॉग में। रेड आइड फ्रॉग्स किस जगह पाए जाते थे, तो पेड़ पौधे पे ज़्यादातर पाए जाते थे, तो पेड़ पौधे किस रीजन में होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी कि पांच नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। छह नंबर चलते हैं, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ओके लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, तो ऑब्वियसली पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हीं के
स्किन के अंदर फैट पाया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसे वार्म रख सके, गर्म रख सके, तो यहाँ पे पोलर रेजन हो जाएगा। सॉरी मार्कर इज नॉट वॉकिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वाइट एंड लार्ज पॉज। तो ये तो दोनों में होते हैं, ये तो वाइट एंड लार्ज पॉज आपको पोलर बियर में भी होगा और लायन टाइगर्स में भी होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट वाले एनिमल्स में भी होते हैं, यानी कि बहुत हो जाएगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स तो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बॉडी के कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए कितने, 8 नंबर है ना, 8 नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग नेल्स। स्ट्रॉन्ग नेल्स ऑब्वियसली लायन एंड टाइगर में होते हैं, ठीक है, कैट्स में होते हैं, यानी कि बिग कैट्स जितने भी होते हैं उसमें होते हैं। तो बिग कैट्स कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी कि 9 नंबर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड लार्ज बिग्स। ऑब्वियसली टोकन्स में होते हैं, टोकन्स मैंने बताया था आपको, लॉन्ग एंड लार्ज बिग्स भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाओगे, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले इस क्वेश्चन से बच्चे क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल्स का, प्लांट्स का, ठीक है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके, एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन्स टेम्परेचर्स and periodically rainfall, okay, periodically rainfall, okay, these conditions favors all animals and plants to survive themselves in tropical rainforest, okay। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन यूज टेम्परेचर्स एंड periodically rainfall, okay, which is required by all animals and plants to survive themselves, okay, that's why क्या है यहाँ पे, that's why large population of animals lives in tropical rainforest, okay। तो tropical rainforest में कोई जानवर क्यों रहता है, क्योंकि इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोई भी जानवर या प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए वहाँ पे उसे वाटर चाहिए, ठीक है, और सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट और वाटर जो है ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉपुलेशन हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ओके, अगर कंपेयर किया जाए पोलर रीजन से तो, ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके। तो देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स विच इनेबल्स देम्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ओके। तो क्या होता है कि सभी जानवर का बॉडी फीचर्स अलग अलग होता है, उस बॉडी फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, ओके।
तो इससे रीजन क्या है कि जैसे कि मान लो आप एग्जांपल यहाँ पे बोला जा रहा है देने को, तो एग्जांपल में आप दे दोगे अ थिक फर ऑफ पोलर बियर्स, ओके, थिक फर्स ऑफ पोलर बियर्स एंड फैट अंडर हिज स्किन हेल्प्स देम्स टू सर्वाइव इन पोलर या एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, ओके। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट बॉडी फीचर्स ऑफ बिग कैट्स, ओके, डिफरेंट बॉडी फीचर्स ऑफ बिग कैट्स और एलिफेंट्स, ठीक है, हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। तो दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट आप एक्वाटिक एनिमल्स का भी दे सकते हो। द फिश हू लिव्स इन फ्रेश वाटर्स कांट सर्वाइव देमसेल्व्स इन सॉल्टी वाटर, ओके। जो फिश फ्रेश वाटर में रहती है उसे आप सॉल्टी वाटर में डाल दोगे तो वो क्या अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ओके। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट इज हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो एडेप्टेशन इन एलिफेंट्स मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप लिखोगे देर आर वेरियस बॉडी फीचर्स विच हेल्प्स एलिफेंट्स टू अडेप्ट देम्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पहला क्या लिखोगे, स्ट्रंक, ओके। सेकेंड टस्क, थर्ड क्या लिखोगे, इट्स फिट, एंड फोर्थ क्या लिखोगे, फूड के बारे में लिख लोगे, ओके। तो ट्रंक में क्या लिखोगे, इट हेल्प्स टू कैरी ऑब्जेक्ट्स, इट हेल्प्स टू फिट इट सेल्फ, ओके, एंड इट हेल्प्स टू ड्रिंक वाटर। सेकेंड आप क्या लिखोगे, टस्क लिखोगे, टस्क हेल्प्स टू टियरिंग द बार्क ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्या लिखोगे, फिट, ठीक है। द फिट ऑफ एलिफेंट्स हेल्प्स देम टू मेक ग्रिप्स ऑन सॉफ्ट ग्राउंड ऑल्सो, ओके। तो देर आर मैनी स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स इन एलिफेंट विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ कार्निवोर्स चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है, अ कार्निवोर्स विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज लाइकली टू फाउंड इन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक ब्लैक स्ट्रिप्स पाया जाता है बॉडी पे इसके, ठीक है, और ये क्या करता है अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही तेज दौड़ता है, ओके। तो स्ट्रिप्स तो ऑब्वियसली टाइगर में पाया जाता है, ब्लैक स्ट्रिप्स पाया जाता है उसके बॉडी में, ओके। तो टाइगर्स में बहुत सारे ब्लैक मतलब कैट्स फैमिली से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस ब्लैक स्ट्रिप्स का क्या यूज़ है, ब्लैक स्ट्रिप्स का यूज़ कुछ नहीं है, बस वो मतलब कि ऐसा बॉडी फीचर्स दिया हुआ है कि इस तरह के एनिमल्स जो है किस रीजन में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के एनिमल्स जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर 4, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ओके, पोलर बियर, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ओके। तो कौन सा फीचर्स पोलर बियर में ऐसा है जो कि उसको एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने में हेल्प करता है, ओके। तो देखिए इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, ओके। कहने का मतलब क्या है कि इसका वाइट फर जो है वहाँ के बैकग्राउंड्स के स्नोवी बैकग्राउंड्स में मैच कर जाता है, थिन फैट अंडर इट्स स्किन हेल्प्स देम टू कीप वार्म, ओके, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल यानी कीन सेंस ऑफ स्मेल्स, ठीक है। तो स्किन सेंस ऑफ स्मेल से क्या होता है, ये सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं जिससे कि ये अपने आप को कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं. विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रॉपिकल रीजन? तो ट्रॉपिकल रीजन में रीजन को कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है? तो इसमें हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, हॉट एंड ह्यूमिड कहने का मतलब क्या है कि और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है. जहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है. ठीक है, तो अगर देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट जो है आर्द्रता युक्त होती है, यानी कहने का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड होती है. यहाँ पे बारिश भी होती है और सूखा भी होता है. ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियरली व्हाट्सअप कर सकते हैं. ठीक है, प्लीज़ कंप्लीट दिस चैप्टर्स इन योर नोटबुक्स. आई विल चेक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स इंक्लूडिंग द टॉपिक्स. ओके, आफ्टर स्कूल. ओके.